आज हम लोग कोलिजन के बारे में पढ़े। कोलिजन क्या है? कोलिजन मतलब टक्कर। व्हेन टू बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, व्हेन टू बॉडीज आर कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, यानी दो बॉडी जब एक दूसरे के विरुद्ध जब कोलाइड करते हैं तब उसको कोलिजन कहते हैं। या द पाथ ऑफ वन बॉडी, यानी एक बॉडी का पाथ अफेक्टेड बाय द फोर्स एग्जर्टेड बाय अनदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी के फोर्स के कारण किसी एक वस्तु के पाथ में परिवर्तन हो जाए तो इसको भी हम एक पैसे कोलिजन कहते हैं। ठीक है, कोलिजन के टाइप आइए देखें। टाइप ऑफ कोलिजन कितने प्रकार के होते हैं? इलास्टिक कोलिजन वह कोलिजन है जिसमें सिस्टम का एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल लिनियर मोमेंटम आर कंजर्व्ड, यानी वह कोलिजन जिसमें द टोटल लिनियर मोमेंटम एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, या तो इसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। सेकेंड आता है इन इलास्टिक कोलिजन, the collision in which linear momentum conserved but there is some change in the kinetic energy, यानी इसके kinetic energy में कुछ loss होता है, कुछ जो है परिवर्तन होता है, तो ऐसे collision को हम क्या कहते हैं? inelastic collision कहते हैं। दूसरा, तीसरा, perfectly inelastic collision, the collision in which the two body stick together after collision and move with a common velocity as a single body after collision, yani wah collision jisme do body takkar ke baad dono ek dusre se stick kar jate hain और एक कॉमन वेलोसिटी के साथ दोनों एक साथ मूव करते हैं, तो इस तरह कोलिजन को हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन। कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसको हम कहते हैं हेड ऑन हेड कोलिजन भी कहते हैं। हेड ऑन हेड कोलिजन, द कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडी मूव अलोंग द सेम पाथ स्ट्रेट लाइन, मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ इन सेम डायरेक्शन बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। The collision in which the colliding body are move along the same straight line path in same direction before the collision and after the collision, यानी दो टक्कर करने वाले ऑब्जेक्ट बॉडी यदि एक सरल रेखा के
अनुदिश एक ही दिशा में टक्कर के पहले गति कर रहे हों और टक्कर के बाद भी गति कर रहे हों, तो ऐसे कोलिजन को हम हेड ऑन हेड कोलिजन या कोलिजन इन वन डायमेंशन कहते हैं। कोलिजन इन वन डायमेंशन कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम इसके लिए हेड ऑन हेड कोलिजन इन वन डायमेंशन वी आर गोइंग टू डिराइव सम इक्वेशंस। हम इस पर कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। जैसे मान लें कि यह एक बॉडी ए है, ठीक है, यह मास एम वन है, यह बॉडी बी है, यह बी है मास एम टू है, दो बॉडी है। कंसीडर टू बॉडी ए और बी ऑफ मास एम वन एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग सेम पाथ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इवन मूविंग विथ ए मूविंग विथ इवन वेलोसिटी एंड बी मूविंग विथ द यूटू वेलोसिटी सच दैट E1 इज ग्रेटर देन U2। इस प्रकार से कि E1 की वेलोसिटी U2 से बड़ा है। तो एक समय आएगा, ए टाइम इज कम व्हेन द बोथ बॉडी गेट कोलाइड्स, दोनों क्या होंगे, कोलाइड्स होंगे, कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद दोनों सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो सेपरेट करेंगे और फिर दे गो मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब फिर उसी दिशा में ये मूव कर रहा है। मान लिया कि ए V1 वेलोसिटी के साथ और बी V2 वेलोसिटी, लेकिन दोनों सेपरेट करके मूव करेंगे, यह तभी संभव है व्हेन V2 इज ग्रेटर देन V1। यह कंडीशन है। ये दोनों यहां कोलाइड करेंगे तब जब U1 यानी A की वेलोसिटी B की वेलोसिटी से ज्यादा हो। टक्कर के बाद दोनों सेपरेट कर जाएंगे, इसके लिए कंडीशन है कि B की वेलोसिटी ना ग्रेटर हो A की वेलोसिटी से, ठीक है। तब यहां पर हम जो इलास्टिक कोलिजन है, जो उसकी कंडीशन है, द मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्व, तो सबसे पहला देखते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व। लीनियर मोमेंटम कंजर्व, तब उस हिसाब से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। यहां से m1 कॉमन ले लें तो u1 माइनस v1 और यहां m2 कॉमन ले लें तो v2 माइनस u2 है हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो। अब इसको आप यहां इक्वेशन को लिख लें, M1 ये बार बार काम देता है, U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2, ठीक है। ये हम अलग साइड में रख लेते हैं। अब देखें कहता है द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, तब क्या होगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन कंजर्व है, तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो m1 U1 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर और इसको इधर लेके चले जाते हैं, M2 V2 स्क्वायर माइनस M2 U2 स्क्वायर। क्लियर। M1 कॉमन ले लें
तो यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू एम टू कॉमन ले लें तो वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तोड़ दें तो एम वन यू वन प्लस वी वन और ये हो गया यू वन माइनस वी वन। फिर उसी तरह यह भी हो गया एम टू वी टू माइनस यू टू प्लस और वी टू माइनस यू टू, ये आपका इक्वेशन तीन हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में दो से यदि डिवाइड किया जाए तो एम वन यू वन माइनस वी वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यू वन प्लस वी वन। ठीक है, उसी तरह इसमें इससे डिवाइड किया जाए तो एम टू वी टू माइनस यू टू, एम टू वी टू माइनस यू टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वी टू प्लस यू टू, वी टू प्लस यू टू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लेके चले आए यू वन माइनस यू टू इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, ये हमारा इक्वेशन नंबर चार हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर थ्री, हाँ ठीक है, और ये हो गया इक्वेशन नंबर चार। अब जरा गौर से देखें, यू टू माइनस यू वन माइनस यू टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, ये क्या कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, ये बिफोर कोलिजन है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी ए आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू है ना बी, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन बराबर हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं यू वन माइनस यू टू, यू वन माइनस यू टू इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो चलिए अब यहां दूसरा इक्वेशन हमको आ गया, ये क्या हो गया u1 वन माइनस यू टू बराबर वी टू माइनस वी वन। ठीक है, इट क्लियर। अब ये इक्वेशन है सेकंड नंबर, अब हमको आफ्टर कोलिजन वी वन क्या होगा और वी टू क्या होगा ये हमको डिराइव करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन था, यह इक्वेशन जो है हमारा पांच नंबर है। ठीक है ना, इस इक्वेशन से हम वी टू निकालें यहां से, तो वी टू इक्वल टू क्या हो गया यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन, इधर चला गया, इसको हम इसमें पुट करते हैं तो एम वन यू वन माइनस वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, वी टू की जगह पे क्या रखना है हमको यू वन प्लस यू टू प्लस वी वन माइनस यू टू, देखते चलिए यू वन वी टू की जगह पर यू वन माइनस यू टू, माइनस यू टू प्लस वी वन माइनस यू टू, ये माइनस यू टू माइनस यू टू टू यू टू हो गया और यू वन हो गया तो एम वन यू वन माइनस वी वन इक्वल टू एम टू यू वन
माइनस टू यू टू प्लस वी वन। ठीक है, अब इसको हम कर दें फ्रैक्शन कर दें, एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन इक्वल टू एम टू यू वन माइनस टू एम टू यू टू प्लस एम टू वी वन। वी वन को एक साथ कर लें, यू वन को एक साथ कर लें। ठीक है, तो यहां करें तो ये आ गया एम वन वी वन प्लस एम वन एम टू वी वन बराबर, ये हो गया, ये इधर चलाया प्लस हो गया एम वन वी वन प्लस एम टू वी वन। अब ये जो है इधर सब आएंगे, ये इधर गया इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो एम वन यू वन माइनस एम टू यू वन प्लस टू एम टू यू टू। यहां से वी वन कॉमन हो गया तो एम वन प्लस एम टू बराबर हो गया, यहां आपका हो गया यू वन कॉमन हो गया तो एम वन माइनस एम टू प्लस टू एम टू यू टू। अब देख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, इसलिए वी वन बराबर क्या के डिवाइड लग जाएगा, तो देखिए डिवाइड लगा तो क्या होगा, एम वन माइनस एम टू बटा एम वन प्लस एम टू यू वन हो गया प्लस टू एम टू, डिवाइड करें फिर एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू, ये हमारा वी वन हो गया। इसी तरह हम वी टू निकाल सकते हैं आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉडी, तो उसका जब हम निकालेंगे तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल सबस्क्रिप्ट चेंज कर जाएगा। अब यानी वी टू बराबर ये इस जगह पे यू वन था तो यू टू हो जाएगा, और ये एम वन माइनस एम टू था तो एम टू माइनस एम वन हो जाएगा, एम टू माइनस एम वन बटा एम वन प्लस एम टू, और यू वन की जगह पे यू टू प्लस ये एम टू है तो यू एम वन हो जाएगा, तो टू एम वन बटा एम वन प्लस एम टू, और ये यू टू है तो यू वन, केवल सब्स्टिट्यूट चेंज कर देंगे, दोबारा हमको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह देखें तो एक इक्वेशन दो इक्वेशन, ये दो और इक्वेशन हमें मिले। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेज हैं, आइए देखते हैं स्पेशल केसेज। स्पेशल केसेज केसेज फर्स्ट केस फर्स्ट, देखें यदि बोथ कोलाइडिंग बॉडी आर ऑफ इक्वल मास, दोनों कोलाइडिंग बॉडी जो है सेम मास की हो तो क्या होगा, यानी एम वन बराबर एम टू बराबर एम, मान लिया कि एम वन एम टू एम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जरा हम इससे आए तो वी वन हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन से एम वन माइनस एम टू ये जीरो हो गया, जीरो बटा एम वन प्लस एम टू, यहां हो गया एम वन बाय टू एम बटा टू एम हो जाएगा, तो टू एम तो बराबर हो गया टू एम बटा टू एम इंटू यू टू, यानी अब कैंसिल हो गया बराबर यू, यानी वी वन क्या आ गया आपका, इसलिए वी वन बराबर यू टू। यानी टक्कर के बाद जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है वह सेकंड बॉडी के इनिशियल यानी कि टक्कर के पहले की वेलोसिटी, ठीक है, उसी तरह वी टू हम निकाल लें यहां से तो देखें m माइनस एम यह भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी आ गया 2m, ठीक इसी तरह 2m बाय 2m इक्वल टू यू वन, ये वाला आया तो ये आ गया आपका यू वन। यानी देखें वी वन बराबर टक्कर के बाद वेलोसिटी, टक्कर के पहले दूसरे बॉडी की वेलोसिटी, टक्कर के बाद दूसरे बॉडी की वेलोसिटी, टक्कर के पहले, यानी देयर वेलोसिटी आर इंटरचेंज। When two body collide, their velocity are interchanged after collision.
दोनों की वेलोसिटी की अदला बदली हो जाती है टक्कर के बाद। केस टू हमारा कहता है कि यदि द कोलाइड अगेंस्ट ए स्टेशनरी बॉडी, मान लिया कि यह बॉडी ए था और यह बॉडी बी है, तो यह जो स्टेशनरी में हो, यानी ए बॉडी कोलाइड्स विथ ए स्टेशनरी बॉडी, यानी ऑफ सेम मास एम वन बराबर एम टू बराबर एम, दोनों की मास सेम है लेकिन एक बॉडी रेस्ट में है और दूसरी जो है टक्कर मार रही है, यानी यू टू बराबर, तब इस इक्वेशन से आइए, यहां से वी वन बराबर क्या होगा एम वन माइनस एम जीरो और टू एम टू, यू टू क्या है जीरो, तो वी वन क्या हो जाएगा जीरो, सीधी सी बात है, यह तो जीरो हो गया और यू टू रेस्ट में है तो यह जीरो हो गया, तो वी टू अब क्या होगा, वी टू को जरा देख लें, यह क्या हो गया जीरो, चूंकि यू टू जीरो में है तो यहां क्या बचा टू एम बटा टू एम इंटू यू वन, तो वी टू बराबर, यानी तब क्या होगा कि यह बॉडी रेस्ट में है और यह बॉडी टक्कर दे रही है, यह बॉडी आपकी टक्कर मार रही, तो यह बॉडी आगे बढ़ जाएगी और यह क्या आ जाएगी रेस्ट, ठीक है, यानी वी टू इज, यानी सेकेंड बॉडी इज मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, या यू वन है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी या जो है फर्स्ट बॉडी के वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगी और फर्स्ट बॉडी जो है स्टॉप कर जाएगी, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, वेन ए लाइट बॉडी कोलाइड्स विद ए मैसिव बॉडी, बहुत बहुत बड़ा हो और क्या हो, बॉडी एट रेस्ट हो, यानी जो मैसिव बॉडी है वह क्या हो, रेस्ट में हो। आइए देखते हैं केस थ्री। केस थ्री, यानी एम वन इज वेरी वेरी स्मॉल देन एम टू, एक मैसिव बॉडी से है और मैसिव बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, यू टू बराबर, तब जरा गौर से देखें, एम वन इज वेरी वेरी लेस, ठीक है, अब गौर से देखें, U2 जीरो हो गया तो यह V1 क्या हो जाएगा, या तो टर्म जीरो हो गया, बच गया यह टर्म, तो यह टर्म कितने के बराबर आएगा, लगभग माइनस, यह क्या हो गया माइनस M, ठीक है, माइनस M2 U1, चूंकि M तो बहुत बहुत कम है, तो माइनस M2 U1 बटा M2, ठीक है ना, क्योंकि यह बहुत बहुत कम है तो एम को नेगलेक्ट किया जा सकता, तो माइनस एम टू बटा एम टू इंटू यू टू, तो यह कैंसिल हो गया बराबर माइनस यू टू, यानी क्या होगा, जो मैसिव बॉडी रेस्ट में है वह रेस्ट में ही रहेगी, उसके बाद में हम देखते हैं वी टू देख लें तब क्लियर हो जाएगा। आप वी टू देखें तो यह क्या हो गया जीरो, U2 जीरो है मान लिया है, ये क्या बचेगा U1 है, M1 U1, या लगभग U1 जो की त्यों, यानी U1 जो वेलोसिटी है वही रह जाएगी, है ना, V2 इज लगभग U1, चूंकि M1 है ना, सॉरी यह तो वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत बहुत स्मॉल है, तो उसमें मैसिव से डिवाइड करेंगे तो वह लगभग जीरो हो जाएगा, यानी लगभग जीरो, ठीक है, यानी वी टू लगभग क्या आ जाएगा जीरो, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, व्हेन ए लाइट बॉडी कोलाइड विद ए मैसिव बॉडी विच इज एट रेस्ट,
एक लाइट बॉडी एक मैसिव बॉडी से टकराए जो रेस्ट में है, तब जो लाइट बॉडी है वह रिबाउंड होगी, वह रिबाउंड होगी, ठीक है ना। देखिए रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से वह रिबाउंड होगी। लेकिन मैसिव बॉडी का क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली रिमेन अनचेंज, वह जो है लगभग अनचेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं केस फोर। केस फोर क्या कहता है? वेन ए मैसिव बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए लाइट बॉडी एट रेस्ट, एक मैसिव बॉडी है मास m1 कोलाइड विथ ए लाइट बॉडी मास m2 एट रेस्ट, है ना, यानी m1 ए वेरी वेरी देन m2 एंड u2 एट रेस्ट, क्लियर। तब फिर यहां पर v1 क्या होगा जरा देख ले। m1 बहुत बहुत बड़ा है तो m1 बटा 2 m1 मान सकते हैं, m1 बटा ये भी क्या है m2 बहुत बहुत छोटा है तो m1 बाई m1 इंटू u1, m1 बाई m1 इंटू u1 बराबर u1 हो गया, ठीक है। और ये u2 तो जीरो है, u2 जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया। उसी तरह v2 आ जाए, v2 बराबर क्या होगा m2 माइनस m1, या क्या हो गया माइनस, ठीक है। m1 मैसिव है और ये क्या हो गया तो माइनस m1 बाई m1 इंटू u2, तो u2 क्या है जीरो है तो यह टर्म जीरो हो गया, बचा क्या m1, m1 मैसिव है m1 बाई m1 टू m1 बाई m1, तो टू m1 बाई m1 इंटू u1, तो m1 कैंसिल टू u1। अब देखिए क्या होता है, यदि एक लाइट बॉडी रेस्ट में है और उस पर एक मैसिव बॉडी विथ ए वेलोसिटी टक्कर मारती है, ठीक है, टक्कर मारती है, तो जो लाइट बॉडी है वह आगे की ओर बढ़ेगी विथ द ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी। मैसिव बॉडी का वेलोसिटी इनिशियली इवन है तो उसके दूने वेलोसिटी के साथ वह आगे मूव करेगी, और जो मैसिव बॉडी है वह अपने इनिशियल वेलोसिटी एज यूजुअल उसी के साथ क्या होगा मूव करेगी, यानी देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी वी वन इक्वल टू यू वन, है ना, नथिंग के बराबर, बहुत कम, यहां जो हम देखते हैं बहुत कम परिवर्तन आएगा, अप्रोक्सीमेटली द रिमेन अनचेंज, किसके मैसिव बॉडी की। ये हमारे पास चार केसेज है, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर, यू अपने अच्छे से इसको समझा, और ट्राई योर सेल्फ, इसे कोशिश करें। एंड अगेन आई वंस अगेन आई रिपीट, you must subscribe the channel.